अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं सेग्रीगेट करूँगा, और जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि डिफरेंस करूँगा कि दो बड़े यूट्यूबर्स में कि क्या डिफरेंस है, कि दोनों बराबर के सब्सक्राइबर्स, तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि जब जर्नी मिलियन से ऊपर निकल जाती है तो फिर वो सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते। तो इन दोनों की व्यूज़ अगर आप कंपेरिजन करेंगे ना, तो इनमें एक फ्लक्चुएशन आती है। वो क्यों आती है, उसकी बेशुमार वजह है। फिलहाल मैं उसकी एक मेन वजह पर बात करूँगा। मास सफदर अगर अपने आप को एक नोकिया समझते हैं, कि नोकिया एक दौर में अपना जाइंट था, कि उसको कोई हिला नहीं सकता था, लेकिन क्या हुआ कि उसने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज नहीं करा, तो आहिस्ता 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 आज नोकिया को बेशुमार लोग, शायद आज की यंग जनरेशन जानती भी ना हो कि व्हाट इज़ नोकिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि इन दो के जो व्यूज़ में फ्लक्चुएशन आता है वो क्यों आता है। तो फिलहाल मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, और अपनी स्क्रीन पर आपको बताता हूँ कि देखें कि किस तरह से डकी अपनी वीडियो को रैंक करता है, और किस तरह से उसकी वीडियोस जो हैं वो रैंक होती हैं, और कुछ ना कुछ व्यूज़ वो थोड़े बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। और ये मत समझिएगा कि गेम सारा सब्सक्राइबर का होता है। अगर सब्सक्राइबर का ही गेम होता तो आई हैव टन्स ऑफ चैनल्स कि मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके चैनल के सब्सक्राइबर 12-12 मिलियन, 15-15 मिलियन, और उसके बावजूद उनकी वीडियो पर पता है कितने व्यूज़ आते हैं, 30,000, 12,000। तो इट्स नॉट अ गेम ऑफ सब्सक्राइबर, इट्स अ गेम ऑफ लॉजिक। और मैं आपको आज अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस बिना पे और किस वजह से आपकी वीडियो रैंक कर सकती है। अगर आप अपनी वीडियो में ये चीज़ यूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो रैंक कर ली। सबसे पहले तीन डॉट्स पे आपने क्लिक करना, ये सेटिंग्स हैं। नीचे आएंगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो मेक श्योर कर लें कि आपके पास ना ये एक एक्सटेंशन है विड आई क्यू करके नाम से, सबसे लास्ट में जो आ रही है ना, विड आई क्यू विजन फॉर यूट्यूब, ये डाउनलोड होनी चाहिए आपके पास ना। यहाँ अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना, देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, देखें नीचे आ रहा है इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन ईजिली डाउनलोड, आप आराम से इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा प्रोसेस। तो ये जब तक करेंगे नहीं ना, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। वापस आऊँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखें मैंने डकी भाई जो ना सर्च करा था, अब मैं आपको बताऊँगा कि ये देखें 2 दिन पहले अपलोड हुई है वीडियो, 1.3 मिलियन। अच्छा आपको ये फ़र्क ना ये 1-2 दिन पुरानी वीडियो से पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको लेके चलूँगा पुरानी वीडियोस पे ना, इससे देखें इतना फ़र्क पता नहीं चलेगा आपको। अभी आपको लग रहा होगा व्यूज़ तो सेम ही है यार, इसमें क्या ऐसा फ़र्क है, मैं आपको दिखा दूँ फ़र्क है असल कहाँ। दूसरे टैब पर आ गए हैं यूट्यूब पे ना, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखें मास अफजल। अब अगर इसकी भी मैं 1-2 दिन पुरानी वीडियोज़ देखूँगा ना, तो उसमें फ़र्क तो होगा लेकिन इतना खासा नहीं होगा जो आपको मेजर फ़र्क लगे। देखें अब ये वीडियो इसकी आ रही है, अबे लोड क्यों मर गई, हाँ ये देखें अभी, देखें 1 दिन पुरानी वीडियो है, 1 मिलियन व्यूज़ हैं, सही है। मैं इसके चैनल पे आता हूँ, मैंने चैनल पे आया मास सफदर के, और उसके बाद मैं आया वीडियोस पे, सही है। अब ये देखें ये 1-2 दिन पुरानी वीडियो से ना इतना फ़र्क पता नहीं चल रहा। अब मैं आता हूँ नीचे, बिल्कुल मैं आता हूँ तकरीबन 1-2 हफ्ते पुरानी वीडियोस पे आता हूँ, किसी भी वीडियो पे आऊँगा। चलें ये जो वीडियो है ना ये मैं करता हूँ प्ले, देखें वीडियो प्ले हो गई। इसका मकसद मुझे आपको सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाना है, मुझे वो गलतियाँ दिखानी हैं जिसकी वजह से व्यूज़ जो हैं वो कमी आती है, व्यूज़ में जो कमी आती है ना वो वजह मेरे को आपको दिखानी है। अब देखें बराबर में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना, ये सिर्फ एक्सटेंशन की वजह से आ रही हैं, जो एक्सटेंशन डाउनलोड करी ना मैंने विड आई क्यू करके। अब देखें ये मुझे बताएगा कि इसकी गलतियाँ क्या हैं, दरअसल मैं नहीं बताऊँगा, ये देखें ये बताएगा, ये देखें जो सबसे बड़ी गलती है ना, उसने हाईलाइट करी हुई टैग्स, टैग्स डाले हुए ही नहीं हैं सिरे से, जिसकी वजह से वीडियो रीच नहीं कर पाती। तो ये वही लोग देखते हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के पास चली जाती है, तो वही सब्सक्राइबर उठ के सारे आ जाते हैं। देखें चैनल वीडियो टैग्स, यहाँ लिखा हुआ नो टैग्स। अब इसके बरक्स मैं आपको दिखाता हूँ डकी भाई का यूट्यूब चैनल। वापस मैं ऊपर जाऊंगा और ये ऊपर वापस गया, दूसरे टैब पे मैंने क्लिक करा। अब मैं खोलता हूँ इनकी कोई 2 हफ्ते पुरानी वीडियो, फिर आपको दिखाता हूँ मेजर फ़र्क आ कहाँ पर है। ये मैंने करा स्क्रॉल डाउन, अब देखें 10 डेज़ वाली पुरानी वीडियो से ही आपको फ़र्क दिख रहा होगा, 1.8, 2.3, अब देखें 2 वीक्स अगो 2.4 मिलियन, ऑलमोस्ट डबल व्यूज़। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा ना इसकी वीडियो प्ले करके, तो ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आपको जो वीडियो आई क्यू की एक्सटेंशन है ना ये खुद ही बताएगी कि असल पंगा है क्या।
अब जब मैंने इसको करा स्टॉप वीडियो को, जैसी कोई भी वीडियो प्ले होगी ना, अब देखें ये एक्सटेंशन खुद ही साइड पे इसने पूरा टैब खोल दिया। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करते के साथ ही ना अब यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट का गेम। ये देखें टेक्स्ट पे यस क्लिक आ रहा है, सही है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, ये देखें वीडियो टैग्स देखें कितने सारे डाले हैं। तो भाई VidIQ आपको खुद ही बता रहा है कि आपकी वीडियो कैसे रैंक होगी। अब देख रहे हैं आप, पढ़े एंगेजमेंट, सरप्राइज, पाकिस्तानी व्लॉग, मतलब इस तरह का कीवर्ड कोई भी सर्च करेगा ना तो ये वीडियो लाजमी उसके सामने आएगी। और ये सारे वो टैग्स हैं जो खुद डकी ने डाले हैं। ये मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं ये देखें जितने टैग्स आ रहे हैं, ये नहीं कि ये खुद दे रहा है कि ये टैग्स होंगे इसके, नहीं ये डाले हैं। मैं आपको आता हूँ अपने चैनल पर, फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूँ। मैं आया यूट्यूब स्टूडियो पे। अब ज़रा गेम देखें आप कि मैं यहाँ पे आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आके आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो VidIQ एक्सटेंशन दिखाता है ये बिल्कुल ओरिजिनल दिखाता है, ऑलरेडी चैनल की होती हैं। ये देखें मैं अपनी कोई भी वीडियो पे आऊँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, उसको क्लोज करते हैं पहले। तो ये मैं आया कॉन्टेंट पर, आज नेट को पता नहीं क्या हो गया। देखें मैं वो वीडियो उठाऊंगा जिसमें मैंने ना हैश टैग्स जो हैं वो कम डाले हैं। तो आई थिंक ये सेकंड वाली मेरी वीडियो थी, स्मॉल अपडेट वाली ना। तो ये मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगा और देन आपको यहाँ पता चल जाएगा कि मैंने इसमें कितने टैग्स यूज़ करे हैं। देखें यहाँ मैंने डिटेल्स पे क्लिक करा, और यार आज नेट बहुत मर रहा है उसके लिए माजरत। इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, स्क्रॉल करा शो मोर पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर जो है ना आपके टैग्स आ जाएंगे। नीचे आओ ये आ गए। ये देखें ऊपर ये टैग्स में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो टोटल 10 टैग्स जो हैं मैंने यूज़ करे हैं। आप ना इसको देख भी लें, देखें फैमिली ट्रेडिशन, ईद मुबारक, फेस्टिव वाइब्स, वायरल वीडियो, ब्रदरहुड, सही है। तो अब आप ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इस आता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर आके अपनी वीडियो खोलूँगा और फिर उस एक्सटेंशन के ज़रिए मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो में ये टैग्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो टैग्स ऑफिशियली जो क्या कहते हैं क्रिएटर होता है वो डालता है, वही फिर ये टैग क्या कहते हैं टैग्स बता रहा होता है जो हमारा एक्सटेंशन है VidIQ का। तो अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को प्ले करूँगा अपने चैनल पर, और देखें मैंने हाफिज़ दानियल यहाँ पर सर्च किया। अब मैं दिखाता हूँ कि आम बंदा अगर वीडियो देखेगा तो उसको मेरे टैग्स दिखेंगे अगर वो ये VidIQ की एक्सटेंशन यूज़ कर रहा होगा। और भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है VidIQ की, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक लर्न करना चाह रहा हूँ कि आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें हाफिज़ दानियल पे मैंने क्लिक किया, ये मैं वीडियोस पे आया। वीडियोस पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा मैं अपनी वीडियो में जाऊँगा, ये मैं वीडियो पे आया और ये वाली वीडियो थी। इसको स्क्रॉल करेंगे, इसको स्टॉप कर देते पहले वीडियो को ताकि इसका साउंड ना आए हमारे पास। देन इसको हम स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद देखें कहाँ आ रहे होंगे, कहाँ ये देखें ये आ रहे हैं चैनल वीडियो टैग्स में। देखें ये बता रहा है, अच्छा देखें इसमें यहाँ भी बता रहा है कि टैग्स टू शॉर्ट्स। अगर देखें इसमें क्योंकि मैंने टैग्स कम डाले हुए हैं ना तो ये वो भी बता रहा है। अब ये देखें यहाँ पे वो सारे टैग्स आ गए, ये देखें ईद सेलिब्रेशन, फैमिली ट्रेडिशन, ईद मुबारक आ गए सारे टैग्स। तो भाई इसकी हेल्प से आपकी वीडियो रीच आउट हो सकती है, तो ये अपने वीडियो में टैग्स यूज़ करें। और आखिरी बात कि टैग्स कहाँ से डलते हैं, कैसे डलते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा।